हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं करने वाली हूँ अपना गो टू मेकअप लुक, जो मैं कभी स्पेशल ओकेज़न पे जाती हूँ या बाहर घूमने के लिए जाती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट लुक है जिसको मैं क्रिएट करती हूँ। तो चलो देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी सनस्क्रीन से, और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ यूवी डॉग्स का सनस्क्रीन, जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन्स है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरा सेकेंड परचेज़ है। पहली बार मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो फिर उसके ख़त्म होने के जस्ट बाद मैंने दूसरा भी ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन, और आप भी इसको मैं रिकमेंड करूँगी, आपको भी आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना है, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलिटिन का प्राइमर। मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं बजट फ्रेंडली, जो आपको आसानी से 300-400 के अंदर आ जाता है, और ड्रग स्टोर पे भी आसानी से अवेलेबल होगा जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत हाई एंड का जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती, बिकॉज़ ये जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं ये आपको वो जो है ना क्वालिटी दे देते हैं मेकअप के लिए, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कंसीलर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर, जो आपको फुल कवरेज देता है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्लेंड करने में इसको मुश्किल आती है, और थोड़ा सा ट्रिकी है इसको ब्लेंड करना, बट इसका कवरेज बहुत अच्छा है, और उंगलियों से या स्पंज से ये अच्छे से ब्लेंड होता है। और इसका भी आपको जो प्राइस है वो 250 के अराउंड आता है, तो ये भी काफ़ी सस्ता कंसीलर है, और इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किए हैं जहाँ भी मेरे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने कर लिए हैं, और इतने अमाउंट का मैंने कंसीलर यूज़ किया है कि मुझे फाउंडेशन अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, तो कंसीलर से ही हमारा काम चल जाएगा। और जब कंसीलर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं तो वैसे भी हमें फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए मैं जब कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ तो फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, और यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ अफोर्डेबल ब्लश जो कि एलिटिन का है, और इसका सेड है 02 पिंक, और ये आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा ब्लश है, ये लिक्विड ब्लश है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और नेक्स्ट मैं अपने जो अंडर आइज और फेस को सेट करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेटिंग पाउडर, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, और इसको मैं अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर रही हूँ, और अपने फेस पे जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है उसको मैं वहाँ पे सेट कर ली हूँ। वैसे जब भी आप कंसीलर लगाते हो तो फेस बहुत ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो वो भी जो है ना इफ़ेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए भी मैं पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, और आईब्रो पेंसिल के लिए भी यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल है, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जो आईब्रो के जो सेप है उसके अकॉर्डिंग, और जहाँ भी मेरे आईब्रो के बीच में जगह है उसको मैं फील कर ले रही हूँ, और उसके अपोजिट साइड में जो ब्रश है उससे मैं अपने आईब्रो को ब्रश कर लेंगी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो, और ये जो पैलेट है ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका नाम है मैट लुक एवर फेवर मेकअप पैलेट सेड 01। आप अमेजोन पे ये टाइप करके देखना, वो आपको सजेशन में आ जाएगा। और आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने पिंक कलर का सेड लिया, जो अपने आई लिड पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया, उसके टिप पे मैंने हल्का सा कंसीलर अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने उससे अपने कट क्रीज को बनाया, और अपने कट क्रीज को मैंने अच्छे से अपने आँखों के शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, और उसको अपने हाफ कट क्रीज को हाफ कट क्रीज बनाया है, फुल कट क्रीज नहीं बनाया है। और उसके बाद मैं इसको वैसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक शैडो यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं अपना विंग बनाऊँगी,
और विंग आईलाइनर के लिए भी हम जो है ब्रश यूज़ करेंगे और उसके टिप से हम यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करेंगे। और बाकी का जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा या फिर जो थोड़ा बहुत नीचे फैल गया होगा उसको हम कंसीलर के हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट ये सिमर सेट में अप्लाई करूँगी ब्रश पे और अपने कट क्रीज के ऊपर प्रेस करेंगे और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि कट क्रीज पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। और अगर आपको ब्रश के हेल्प से इसको करना पसंद नहीं है या उसे सही से आप प्रेस नहीं कर पाते हो तो अपने फिंगर टिप को भी यूज़ करके आप अपने कट क्रीज पे ये सिमर सेट प्रेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं अपने आई लैसेस को कर्ल करूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बैक का आई लैसेस कर्ल और अच्छे से दो तीन बार हम इसको प्रेस करेंगे, कर्ल करेंगे। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे मस्करा जो मैंने आपको दिखाना शो करना कैमरा पे भूल गई। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का स्काई हाई मस्करा और इस पर इसको मैं अच्छे से अपने आई लैसेस पे कोट कर लूँगी। और मैं आज कोई फॉल्स आई लैसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसको ही अच्छे से कोट कर लेंगे अपने आई लैसेस पे। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर। और हाईलाइटर अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेम आई शेडो से हाईलाइटर जिसको मैंने अपने कट क्रीज पे प्रेस किया था उसी हाईलाइटर को अपने फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि एक पैलेट में हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई होती हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट लेने का कोई मतलब नहीं है जब एक ही पैलेट से मेरा सारा काम ही हो जा रहा। तो फिर यहाँ पे मैंने उसी को यूज़ करके अपने फेस को हाईलाइट कर लिया, जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिक्विड लिपस्टिक और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का टाइमलेस लिक्विड लिपस्टिक इन अ सेट न्यूटी डूडल, जो बहुत ब्यूटीफुल सा मॉफ सेट का लिपस्टिक है। और इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छे से अपने लिप पर और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी, थोड़ी देर इसको टाइम देंगे जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन शेड का लिप लाइनर। और तब तक के लिए फिर मैं इसको सूखने देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ब्लश। और यहाँ पे अगेन मैंने सेम पैलेट से ये पिंक कलर उठाया और अपने चिक पे अप्लाई कर लिया जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट थी ब्लश के लिए, वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा था, कलर बहुत अच्छा था, पिगमेंटेड था। और मैंने भी ये जो पैलेट का फर्स्ट टाइम इस तरह से इसको ब्लश की तरह यूज़ किया तो ये अच्छा लगा मुझे। लास्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर और अपना मेकअप मैं फिनिश करूँगी लिप लाइनर के साथ। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अपने लिपस्टिक के ऊपर से लिप लाइनर और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी बिंदी और अपना इयररिंग्स और अपना फाइनल लुक मैं क्रिएट करूँगी बिंदी के साथ और इयररिंग्स के साथ जो सिल्वर इयररिंग्स होती है बहुत ट्रेंडिंग में चल रही उसके साथ। और यहाँ पे हमारा जो फाइनल लुक है क्रिएट हो गया है और यहाँ पे मैंने अपने हेयर भी थोड़ा खोल लिया और हेयर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि कौन सा लुक बेटर लग रहा है देखने में। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज़।